तो हमको फिर यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन मिलता है, फिर करेंसीज में चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे न्यूज़ मिले इन पे, या फिर शुरुआत में जो सब न्यूज़ रिलीज़ होती है, जैसे कि CPI, उसके बाद आपका हो गया NF। न्यू मेंबर है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो सभी लोग, ठीक है। क्योंकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो काफ़ी यूनिक है, जितने भी रिजल्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, लाइव कैमरा ऑन करके प्रोवाइड करते हैं, जो भी सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सारे टेस्टेड सिग्नल होते हैं और ऑलिम ट्रेड के ही सिग्नल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आइए ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, इन्जॉय कीजिए, एंड ऑल्सो VVIP मेम्बर भी बन जाइएगा अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगती है तो। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अपने ऑलिम ट्रेड के अकाउंट पर लॉग इन हूँ और यहाँ पर जो अकाउंट बैलेंस है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख प्लस है। सो सिंपली बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हम न्यूज़ पे ट्रेड कर सकते हो। न्यूज़ मतलब जो आपने सुना होगा कि मंथ के एंड पे या फिर शुरुआत में जो सब न्यूज़ रिलीज़ होती है, जैसे कि CPI, उसके बाद आपका हो गया NFP, ठीक है। जो NFP होता है उसका फुल फॉर्म होता है नॉन फॉर्म पेरोल, एंड CPI का होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब जो न्यूज़ रिलीज़ होती है USA के या फिर कैनेडियन, ठीक है, जो भी न्यूज़ रिलीज़ होती है उनके ऊपर हम क्या ट्रेड ले सकते हैं या फिर लेना ज़रूरी होता है, सर क्या आप लेते हो ट्रेड, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन लोग मुझसे करते थे। तो सिंपली देखो, आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर डेटा है कि हाँ ये होने वाला है मार्केट में, तो दैट टाइम आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने तुक्का लगा दिया, हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा अप जाएगा, ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते आप। सो कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करना ज़रूरी है, डेटा फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि क्या होने वाला है, कुछ तो अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे मिलती है, कहाँ पर मिलती है, वो थोड़ा बहुत मैं टच आपको दे दूंगा यहाँ पर। तो सिंपली जो लोग भी investing.com को यूज़ करते हो, ठीक है, वो लोग ऐसे ओपन कर सकते हो investing.com को, फिर यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन मिलता है, फिर करेंसीज पे चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे न्यूज़ मिल जाएंगे करेंसीज़ के रिलेटेड, ठीक है, सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। लास्ट NFP में क्या हुआ था वो डेटा आप सर्च करके भी देख सकते हो गूगल में, लास्ट CPI में क्या हुआ था, USA CPI, उसके बाद कैनेडियन कोर CPI, वो सब सारी चीज़ें आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। और जो भी न्यूज़ आप पढ़ना चाहते हो या फिर उसके अलावा भी जो अलग अलग न्यूज़ इम्पैक्ट पड़ते हैं मार्केट में, उनको भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ठीक है, पूरा आर्टिकल्स यहाँ पर आपको न्यूज़ के रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल्स यहाँ पर मिल जाएगा, ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली लोगों के ओपिनियंस ले सकते हो, यहाँ पर आपको ओपिनियंस भी देखने को मिलते हैं लोगों के। तो सिंपली यहाँ पर मैं चला गया करेंसीज़ पे, चला गया यहाँ पर, मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सारे के सारे फॉरेक्स रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा मान लो कि मैं यहाँ से करेंसीज़ में चला जाता हूँ, कोई भी करेंसी USD में चला गया, अब थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँगा तो न्यूज़ एंड एनालिसिस आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो इस पर आप न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो सारे न्यूज़ आ जाएंगे, एनालिसिस एंड ओपिनियन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोगों के भी ओपिनियंस आपको देखने को मिलेंगे कि मार्केट क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर 59 मिनट पहले ये अपडेट दी गई थी, इसको आप ऑन करके पूरा पढ़ सकते हो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, या फिर ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हो, वो तभी अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरा डेटा को देखना ज़रूरी होता है, लास्ट CPI में क्या हुआ, लास्ट NFP में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है, फिर जाकर आप ट्रेड ले सकते हो, या आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही आप तुक्का मार के अगर ट्रेड लोगे न्यूज़ में तो वो कुछ खास असरदार नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप NFP में ट्रेड नहीं ले सकते, CPI में ट्रेड नहीं ले सकते, आप सब अटेंड कर सकते हो, US का CPI में भी ले सकते हो, कैनेडियन कोर में ले सकते हो, ठीक है, जितने भी न्यूज़ रिलीज होते हैं ले सकते हो, बट थोड़ा बहुत स्टडी ज़रूरी है उसके पीछे, डेटा एनालिसिस ज़रूरी है कि प्रीवियस 2-4 CPI में क्या हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट इस बार क्या होने वाला है वो अंदाज़ा लग जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ टच मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ आपको दिख जाएंगे।
एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि मान लो कि लास्ट सीपीआई में मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल डाउन किया था, इस बार वो रिकवर करेगा, मतलब इस बार अप जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग अंदाज़ा लगाते हैं। बट मेरी मानो तो आप न्यूज़ देख लो, ठीक है, न्यूज़ सिर्फ मत देखो, लोगों के ओपिनियंस भी देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, लास्ट दो चार सीपीआई में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें चेक करो, फिर जाके एक डिसीजन मेक करो, ठीक है। अब बात मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, सर आप लेते हो? मैं नहीं लेता, बहुत ही कम, कभी मन किया तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास खुद का अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं डेली प्रॉफिट कर लेता हूँ, मुझे किसी दिन एक दिन के लिए महीने में वेट नहीं करना पड़ता कि आज NFP है या फिर कल CPI है, उस पर मुझे ट्रेड लेना है एक महीना बाद, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं हर रोज़ ट्रेड करता हूँ, हर रोज़ प्रॉफिट करता हूँ, तो मुझे कोई अलग से CPI या फिर NFP के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इफ़ यू हैव नॉलेज देन यू कैन ट्रेड एनीवेयर, ओके, तो किसी भी टाइम आप ट्रेड कर सकते हो, एनी टाइम, कोई भी दिक्कत नहीं है, एनीवेयर एनी टाइम। सो सिंपल है कि अगर न्यूज़ पे ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं रिकमेंडेशन ले सकते हो, कैसे क्या डेटा एनालिसिस कर सकते हो, थोड़ा बहुत टच मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं अभी एक दो ट्रेड ले लेता हूँ, वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, अच्छा हुआ आपने अगर देखा है लास्ट तक। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, स्लो रेसिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आए, ठीक है। आप इंडिकेटर ऑक्सीलेटर के सिवा भी ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मल्टीपल लेवल्स आप इजीली फाइंड आउट कर पाते हो मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से देखो रिवर्स होना भी शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पर दूसरी जगह चला जाता हूँ, क्योंकि सिग्नल जो है वो मिस हो चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बना है हैंगिंग मैन बना है, ठीक है, और उसके बाद ये कैंडल देखो डाउन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इससे नेक्स्ट कैंडल पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ट्रेड प्लेस करूँ, ज़्यादा बड़ा तो ट्रेड नहीं लेंगे, सोच रहा हूँ कि मैं 20,000 का एक ट्रेड लूँ, वो भी 30 सेकंड के ड्यूरेशन पे, नहीं 50,000 का मैं ट्रेड लूँगा 30 सेकंड का, ओके। सो 30 सेकंड का लेने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर लिया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम को यहाँ पर कम कर लिया कि थोड़ा वॉल्यूम पे हम यहाँ पर विन कर जाए, ठीक है, मार्केट को बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई देख लेते क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ इसको, 10 सेकंड के करीब करीब कुछ बाकी है, और अभी नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है हमारा ट्रेड, ओके, अल्टीमेटली देखते क्या रिजल्ट आता है, ओके। तो ये लास्ट सेकंड हमारा जाके लॉस हुआ, मैंने यहाँ पर 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा एक दो सेकंड के लेट के वजह से, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा ट्रेड लेंगे, डबल अमाउंट का मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, और इसको मैं देखो कहाँ पर रिकवर करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको क्विकलर में रिकवर करने वाला हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि आप बड़ा ट्रेड लेने से क्विकलर में लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी लेने वाला हूँ बड़ा ट्रेड, मैं थोड़ा सा मार्केट को देख लेता हूँ, क्विकलर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है, तो उसको आप देख सकते हो ज़रूर से, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बेटर सीखने को मिलेगा, प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, क्विकलर में भी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने 1 लाख का ट्रेड प्लेस किया है, और ये ट्रेड हमारा विन, लॉस रिकवर प्लस एक अच्छा खासा मैं प्रॉफिट में भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ट्रेड लेंगे 10,000 का, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ फ्लो डाउन आए थोड़ा, ओके, यहाँ पर मार्केट थोड़ा का फ्लो जो है वो थोड़ा डाउन आया, तो मैंने प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारा देख सकते हो विन, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ टोटल, मैंने आज 3 ट्रेड यहाँ पर अभी ली है, ओपन ट्रेड एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट 50,000 का ट्रेड मेरे यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, फिर मैंने 80,000 का प्रॉफिट किया, फिर मैंने 8,000 का प्रॉफिट किया, 88,000, तो यहाँ पर अगर मैं 50,000 कट भी कर दूँ तो मैं लगभग 38,000 रुपीज़ अभी भी प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है, लॉस रिकवरी के बाद भी। तो यही था गाइस, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे न्यूज़ के बारे में क्या करते हो क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई होपफुली आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे तुक्का मारने से ट्रेड नहीं लेना होता है न्यूज़ पे, ठीक है, तो तुक्का मत मारना, थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लेना न्यूज़ के रिलेटेड, या फिर प्रीवियस 2-3 NFP एंड CPI में क्या हुआ है वो थोड़ा देख लेना, फिर ट्रेड लेने की कोशिश करना, अदरवाइज़ अवॉइड करो तो वो भी बेटर है, ठीक है, या फिर फर्स्ट 2-3 सेकंड का मूवमेंट देखकर आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जब भी NFP उसके बाद CPI आता है ना, तो बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट करता है मार्केट अप या डाउन के तरफ, तो जिस तरफ भी आपको 1-2 सेकंड में मूवमेंट दिखे उस सिमिलर डायरेक्शन में भी आप प्लेस कर सकते हो, नो वरी अबाउट दैट, ओके। सो यही है आज का वीडियो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड जो लोग न्यू मेंबर है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो सभी लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो काफ़ी यूनिक है, जितने भी रिजल्ट्स
हम प्रोवाइड करते हैं, लाइव कैमरा ऑन करके प्रोवाइड करते हैं, जो भी सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सारे टेस्टेड सिग्नल होते हैं और ओलिम ट्रेड के ही सिग्नल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आइए ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, इन्जॉय कीजिए एंड ऑल्सो VVIP मेंबर भी बन जाइएगा अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगती है तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखना, लॉट्स ऑफ माई फैमिली का भी ध्यान रखना। बाय बाय एंड